नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम इंसान हमेशा ही विभिन्न प्रकार की खोजें करते रहते हैं। इन खोजों को करते करते कई बार इंसानों को कुछ ऐसी ऐतिहासिक व रहस्यमयी चीजें मिली हैं जिनको देखने मात्र से ही सब हक्के बक्के रह गए। तो चलिए दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो में ऐसी ही कुछ 10 रहस्यमयी व ऐतिहासिक खोजों के बारे में बताएंगे। नंबर 10, एंटीकिथेरा तंत्र आज तक उलझा है, दुनिया के 2000 साल पुराने पहले कंप्यूटर का रहस्य। आपको किसी ने दुनिया का पहला कंप्यूटर के बारे में पूछा तो आप अबेकस का नाम लेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं एंटीकिथेरा तंत्र को आधुनिक युग का सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर का श्रेय दिया जाता है। इस रहस्यमय 2000 साल पुराने कंप्यूटर को एंटीकिथेरा नाम क्यों रखा गया, इस मैकेनिज्म का कार्य क्या है और इसे किसने बनाया, इन सभी बातों को विस्तारित रूप से जानते हैं। तो दोस्तों, 1901 में ग्रीक आइलैंड एंटीकिथेरा के तट पर एक पुराने डुब्बे जहाज का मलबा मिला था। जब उस जहाज का अंदर से निरीक्षण किया गया तब उस जहाज में से एक लकड़ी का बक्सा मिला जिसके अंदर हजारों साल पुराना एक एनालॉग कंप्यूटर था। यह कंप्यूटर एंटीकिथेरा के तट पर मिलने के कारण इसका नाम एंटीकिथेरा मैकेनिज्म रखा गया। माना जाता है कि इस एंटीकिथेरा कंप्यूटर का ग्रीक वैज्ञानिकों ने हजारों साल पहले निर्माण किया था, यानी वैज्ञानिकों के संशोधन अनुसार ये कंप्यूटर लगभग 2000 साल पुराना हो सकता है। इस वजह से इसको दुनिया का पहला कंप्यूटर माना गया। पर क्या आप सोच सकते हैं यह पॉसिबल कैसे है? सभी मानते हैं इतनी पहले इतनी आधुनिकता नहीं आई थी, तो फिर उस समय पर कंप्यूटर कैसे बन सकता है? जब इसे प्रयोगशाला में लाया गया और फिर वैज्ञानिकों ने जब इसे इंफ्रारेड इमेज टेक्नोलॉजी से डिकोड किया तो तब उन्होंने पाया कि यह कंप्यूटर बहुत ही जटिल मैकेनिज्म से बनाया गया है और इस कंप्यूटर के 80 से भी ज्यादा अलग अलग पार्ट्स हैं जिस पर यूनानी भाषा में कुछ खगोलीय लेख और कुछ कोड्स अंकित किए हुए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस कंप्यूटर का इस्तेमाल चंद्र और सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी के लिए किया जाता होगा और कुछ वैज्ञानिक कहते हैं इस कंप्यूटर का उपयोग तारों की गणना के लिए भी किया जाता होगा और यही नहीं बल्कि अपने सौर मंडल में मौजूद ग्रहों की स्थिति का अनुमान लगाने के लिए भी किया जाता होगा। दोस्तों, इस एंटीकिथेरा सिस्टम के बचे हुए भाग को राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय एथेंस में अभी भी संरक्षित करके रखा हुआ है। पर यह एंटीकिथेरा कंप्यूटर अभी भी एक रहस्य बना हुआ है कि यह किस लिए बनाया गया था और क्यों। और इन सबसे बड़ा रहस्य इस कंप्यूटर को लेकर यह है, आखिर उस समय पर इसे बनाना पॉसिबल कैसे हुआ? क्या यह किसी एलियन टेक्नोलॉजी का नतीजा है? इसको लेकर ऐसे कई सवाल हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं। नंबर 9, हेरास्लोइन शहर। एक डूबे हुए ऐतिहासिक शहर की हुई खोज मिला अरबों का खजाना। यह है मिस्र का प्राचीन शहर हेरास्लोइन, जो करीब 1200 साल पहले समुद्र में समा गया था। कुछ साल इसकी खोज की गई। इतिहासकार हेरोटोडस के मुताबिक यह शहर बेशुमार दौलत के लिए मशहूर था। गोताखोरों को यहां से खजाना भी मिल चुका है। दोस्तों, हर डूबे हुए शहर को लेकर जो कहानी है कि उनका यही नहीं पता वह कैसे समुद्र के अंदर समा गए, इस शहर की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। इतना समृद्ध शहर होने के बाद भी यह कैसे समुद्र के अंदर समा गया? दोस्तों, अगर आप ऐसे ही कुछ समुद्र में डूबे हुए शहरों पर एक अलग से वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 8, लोंगयू गुफाएं। हुई हैरान करने वाली 24 गुफाओं की खोज, जिनका 2000 साल पुराना है रहस्य, जिसे एक्सपर्ट्स भी नहीं सुलझा पाए अभी तक। चीन के झेजियांग प्रांत की लोंगयू काउंट में मानव निर्मित बलुआ पत्थर की 24 गुफाएं हैं जो इतनी अच्छी तरह से संरक्षित हैं कि ऐसा लगता है जैसे इन्हें हाल ही में बनाया गया हो। ये गुफाएं मानव इतिहास की सबसे आश्चर्यजनक अंडरग्राउंड संरचनाओं में से कुछ हैं जिनका रहस्य कम से कम 2000 साल पुराना है, जिनकी गुत्थी को अब तक एक्सपर्ट्स भी नहीं सुलझा पाए हैं। कब हुई थी इन गुफाओं की खोज? एक रिपोर्ट के अनुसार इन गुफाओं की खोज 1992 में हुई थी,
जब लोंगयू काउंटी के एक तालाब से पानी निकालते समय स्थानीय किसानों की नजर अंडरग्राउंड संरचनाओं पर पड़ी। तब यहां खुदाई की गई तो कुल 24 गुफाएं मिली, जिन्हें अब लोंगयू गुफाओं या जेजियांग स्टोन चैम्बर्स के नाम से जाना जाता है। आश्चर्यजनक है गुफाओं का आकार। इन प्राचीन गुफाओं का आकार आश्चर्यजनक है, जिनमें से हर गुफा का औसत फर्श क्षेत्र 1000 वर्ग मीटर है और छत की ऊंचाई 30 मीटर तक है। सभी गुफाओं का कुल क्षेत्रफल 30,000 वर्ग मीटर से अधिक है। गुफाएं प्राकृतिक नहीं हैं, क्योंकि उसकी दीवारों पर छेनी के निशान स्पष्ट देखे जा सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दीवारों पर छेनी भी इस तरह से की गई थी कि समानांतर खांचे का एक समान पैटर्न छोड़ा जा सके। ये निशान पास के म्यूजियम में रखे मिट्टी के बर्तनों पर पाए निशानों के समान हैं, जो 500 और 800 ईसा पूर्व के बीच के हैं। यहाँ सीढ़ियां, खंभे, उत्कृष्ट नक्काशीदार आकृतियां भी हैं। लोंगयू गुफाओं का असल रहस्य। कुछ अनुमानों के अनुसार गुफाएं 2000 साल से भी अधिक पहले, संभवतः 200 ईसा पूर्व में खोदी गई थीं। एक मोटे अनुमान से पता चलता है कि गुफाओं को बनाने के लिए लगभग 10 लाख घन मीटर चट्टान हटा दी गई थी। हालांकि इतने बड़े प्रोजेक्ट का कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं मिलता है। इन्हें किसने कब, कैसे इतना परफेक्ट और क्यों बनाया, 2000 सालों से इन सवालों को लेकर रहस्य बना हुआ है। इसलिए यह दुनिया की सबसे दिलचस्प पुरातात्विक पहेलियों में से एक बनी हुई है। नंबर 7, ग्रीक फायर। एक ऐसा आग का घातक हथियार जिसको पानी से भी नहीं बुझा सकते, नहीं पता चला रहस्य। ग्रीक फायर का इस्तेमाल पूर्वी रोम की नौसेना अपने दुश्मनों पर करती थी। 672 ईस्वी का ये कमाल का हथियार माना जाता है। कहते हैं कि इस ग्रीक आग को पानी से भी बुझा पाना नामुमकिन था। ये कैसे बनी थी, इसका फॉर्मूला कोई नहीं जानता, यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। इस ग्रीक फायर के एक बार जलने के बाद इसे सरल तरीकों से बुझाया भी नहीं जा सकता था। इससे बचने के लिए केवल एकमात्र बचाव सिरका, रेत और दिलचस्प बात यह है कि मूत्र भी था। नंबर 6, एंडीज का रहस्यमयी मंदिर। खोजी गई ऐतिहासिक व रहस्यमयी सुरंगे 3000 साल पुराने मंदिर से। पुरातत्वविदों की एक टीम ने पेरू के एंडीज में 3000 साल से अधिक पुराने एक मंदिर के नीचे सुरंगों के एक नेटवर्क की खोज की है। उत्तर मध्य एंडीज में स्थित चाविन डी हुआंतार मंदिर एक वक्त पर पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए धार्मिक और प्रशासनिक केंद्र था। माना जाता है कि ये सुरंगें मंदिर की भूल भुलैया गैलरियों से भी अधिक पुरानी हैं। समुद्र तल से 3200 मीटर की ऊंचाई पर कई साल की खुदाई के बाद कुल 35 सुरंगों की खोज की गई है। ये सभी सुरंगें एक दूसरे से जुड़ी हैं और इनका निर्माण 1200 और 200 ईसा पूर्व के बीच एंडीज की तलहटी में किया गया था। एक एक्सपर्ट ने कहा, ये सुरंगें जरूर हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग हैं। इनके निर्माण का तरीका एक बिल्कुल अलग रूप है। इन सुरंगों का निर्माण इतना विशेष है कि आज तक इतनी मेहनतों के बाद भी यह नहीं पता चल सका कि आखिर यह सुरंगें जाती कहां है। कुछ लोग बताते हैं कि इन सुरंगों में कुछ अद्भुत रहस्य छुपा हुआ है, जिसे छिपाने के लिए ही इन सुरंगों का निर्माण कराया गया था। केवल उस रहस्य तक वही आदमी पहुंच सकता है जिसे इन्हें बनवाया था। नंबर 5, दमिश्क स्टील। इस खास स्टील से बनी तलवारें उड़ते रूमाल के भी टुकड़े कर सकती थीं और 90 डिग्री तक मुड़ने के बाद फिर से वैसी ही हो जाती थीं। ये स्टील कैसे बना और इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता था, ये कोई नहीं जानता। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यहां तक की जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नंबर 4, वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट। कहानी 240 पन्नों वाली एक रहस्यमयी व श्रापित किताब की, जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। इतिहासकारों के मुताबिक यह रहस्यमय किताब 600 साल से भी अधिक पुरानी है। कार्बन डेटिंग से पता चला है कि इसे 15वीं सदी में लिखा गया है। इस किताब को हाथ से लिखा गया है, लेकिन क्या लिखा हुआ है और कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, यह आज तक कोई नहीं समझ पाया है।
यह किताब एक अनसुलझी पहेली की तरह है। इसे वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट नाम दिया गया है। इस किताब में इंसानों से लेकर पेड़ पौधों तक के कई चित्र बनाए गए हैं। वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट नामक इस किताब में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस किताब में कुछ ऐसे भी पेड़ पौधों के चित्र बनाए गए हैं जो धरती पर मौजूद किसी भी पेड़ पौधे से एकदम मेल नहीं खाते हैं। इस किताब का नाम वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट इटली के एक बुक डीलर विलफ्रीड वॉयनिक के नाम पर रखा गया है। माना जाता है कि उन्होंने ही इस रहस्यमय किताब को साल 1912 में कहीं से खरीदा था। कहा जाता है कि इस रहस्यमय किताब में कई पन्ने हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ इसके कई पन्ने खराब हो गए। फिलहाल इसमें सिर्फ 240 पन्ने ही बचे हैं। इस किताब के बारे में कुछ खास तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि किताब में लिखे गए कुछ शब्द लैटिन और जर्मन भाषा में हैं। कई लोगों का मानना है कि इस किताब को इस तरह लिखा गया है कि इसके रहस्य को छिपाया जा सके। अब वो रहस्य क्या है, ये तो किताब लिखने वाला ही जानता होगा, या हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस किताब को पढ़ा जा सके। नंबर 3, प्राचीन चीनी जांगहेंग का भूकंप डिटेक्टर। 2000 साल पहले का आविष्कृत प्राचीन चीनी भूकंप डिटेक्टर वास्तव में करता है काम। ये यंत्र लगभग 132 ईस्वी में बना होगा। इसमें कुछ ड्रैगन और मेंढक हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये शायद भूकंप के बारे में जानकारी देता था, लेकिन कैसे किसी को पता नहीं। हालांकि हम अभी भी भूकंप की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन भूकंपीय झटकों का पता लगाने, रिकॉर्ड करने और मापने में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन यह कितनी दिलचस्प बात है कि यह प्रक्रिया लगभग 2000 साल पहले भी थी। प्राचीन चीनी लोग यह नहीं समझते थे कि भूकंप पृथ्वी की पपड़ी में टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने के कारण आते हैं। इसके बजाय लोगों ने उन्हें ब्रह्मांडीय यिन और यांग के साथ गड़बड़ी के रूप में समझाया। साथ ही वर्तमान शासक राजवंश द्वारा किए गए कार्यों या आम लोगों की शिकायतों की अनदेखी से स्वर्ग की नाराजगी के रूप में, यह देखते हुए कि प्राचीन चीनी मानते थे भूकंपीय घटनाएं स्वर्ग से महत्वपूर्ण संकेत थीं, चीनी नेताओं के लिए अपने राज्य में कहीं भी होने वाले भूकंपों के प्रति सतर्क रहना महत्वपूर्ण था। कहते हैं इस प्राचीन चीनी भूकंप डिटेक्टर से एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया के जरिए सैकड़ों मील दूर भूकंप की दिशा निर्धारित कर सकते थे, जो कि अपने आप में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। नंबर 2, उल्फ बेरहट तलवारें। उच्च किस्म की तकनीकी की थी ये तलवारें, लेकिन कैसे संभव हुआ इतने साल पहले जानता कोई नहीं। इस खास तरह की तलवारों का इस्तेमाल वाइकिंग किया करते थे। ये शुद्ध धातु से बनी तलवारें थीं, जिनका 800 साल पहले बनाया जाना आज के वैज्ञानिकों की सोच से भी परे है, क्योंकि उस समय ऐसी कोई तकनीक नहीं थी। नंबर 1, फेसेटॉस डिस्क। 4000 साल पुराना वो रहस्यमय चक्र जिसकी गुत्थी आज तक है अनसुलझी। कभी कभी खोजबीन के दौरान वैज्ञानिकों को ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिनके रहस्य को सुलझाना उनके लिए भी नामुमकिन सा लगने लगता है। आज से 112 साल पहले कुछ ऐसा ही हुआ था। एक प्राचीन महल के भग्नावशेष की खुदाई के दौरान पुरातत्व वेत्ताओं को एक रहस्यमय चक्र मिला, जिसने सभी को हैरान कर दिया। उस चक्र पर कुछ ऐसे अभिलेख लिखे हुए हैं जिसे पढ़ने में आज तक कोई भी सफल नहीं हो पाया है, या यूं कहें कि दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे डिकोड करने में फेल साबित हुए हैं। इस रहस्यमय चक्र को फेस्टॉस डिस्क के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह क्रीट टापू के फेस्टॉस नामक जगह पर मिला था। इस डिस्क की जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि इसे ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी 1000 वर्ष से भी पहले बनाया गया था। यह डिस्क तपाई हुई सख्त मिट्टी से बनी हुई है। यूनानी सभ्यता में रुचि रखने वाले इटालियन पुरातत्व वेत्ता लुइगी पर्नियर ने साल 1908 में फेस्टॉस डिस्क की खोज की थी। दरअसल वो और उनकी टीम मिनोअन सभ्यता के उस राजमहल के भग्नावशेष की खुदाई का काम रही थी जो प्राचीन काल में आए किसी भूकंप या फिर ज्वालामुखीय विस्फोट से धराशायी हो गया था और धरती के अंदर समा गया था। महल के तहखाने में एक दीवार को जब तोड़ा गया तो अंदर एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया, जिसमें बहुत सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थीं।
पर्नियर जैसे ही उस कमरे में घुसे, उनकी नजर एक गोल डिस्क पर जाकर टिक गई। पर्नियर ने जब उस डिस्क को उठाया तो देखा कि उस पर चित्रलिपि में कुछ भी समझ न आने वाली चीजें लिखी हुई हैं। अब उस डिस्क में क्या लिखा है, यह आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 15 सेंटीमीटर व्यास वाली इस डिस्क के दोनों तरफ सर्पिलाकार खांचे बने हैं, जिसमें अनसुलझी चित्रलिपि लिखी हुई है। अब इसमें सोचने वाली बात यह भी है, इस तरह के स्वरूप मिनोअन काल की अन्य रचनाओं से मेल नहीं खाते हैं। इस विषय में कुछ विद्वानों का मानना है कि फेसेटॉस डिस्क एक जालसाजी या धोखा है, जिसे लुईगी पर्नियर ने ही रचा था। हालांकि सभी लोग इससे सहमत नहीं हैं। पुरातत्वविदों द्वारा इसे प्रामाणिक रूप से स्वीकार किया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।